प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर एवं विश्वकर्मा जयंती के विशेष मौके पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया है, जिससे कि परंपरागत व्यवसाय को नई दिशा दी जाएगी। इसके उपलक्ष्य में नागपुर स्थित देशपांडे सभागृह में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विशेष रूप से उपस्थित थे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आज पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार इस योजना में 13,000 करोड़ का निवेश करेगी और योजनार्थियों को टूलकिट और स्टाइपेंड भी प्रदान किए जाएंगे। इस दौरान देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। उसी श्रेणी में देशपांडे सभागृह में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी मौके पर सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना का तोहफा देने जा रही है। बता दें कि पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के बजट सत्र में विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी। इस योजना के बारे में इस साल स्वतंत्रता दिवस पर भी पीएम मोदी द्वारा ऐलान किया गया था। इस योजना में सरकार द्वारा 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इस योजना के लाभार्थी को एडवांस ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसके विषय में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस विशेष योजना के तहत जनता का कल्याण होगा यह विश्वास जताया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आमदार कृष्णा जी खोपड़े, जिलाधिकारी नितिन गडकर, महानगर पालिकेचे आयुक्त सुंदरी साहेब, WCA एमडी मनोज कुमार जी, पार्लेवार जी मंच उपस्थित सर्व अतिथिगण, उपस्थित सर्व बांधवांना आज आपल्या पंतप्रधानांचा वाढदिवस पण आहे। मी सर्वप्रथम आपल्या वतीने आणि माझ्या वतीने त्यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या उज्ज्वल भविष्य। महात्मा गांधींनी आपल्याला असं सांगितलेलं आहे आणि जे आपल्या सगळ्यांकरता एक मिशन आहे की वी नीड मॅक्झिमम प्रोडक्शन विथ द इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ मॅक्झिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। जास्तीत जास्त उत्पादन जास्तीत जास्त लोकांच्या सहभागातून झालं पाहिजे, त्यामुळे रोजगाराची निर्मिती होईल आणि आपल्या समाजामध्ये जुन्या काळी कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा परंपरागत कारागिरों को शुभकामनाएं दी गई, जहां उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो परंपरागत व्यवसाय लुप्त हो चुके थे उन्हें अब नई दिशा मिलेगी और देश का विकास संभव होगा। इस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मी भगवान विश्वकर्मांना नमन करतो आणि आज माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी यांच्या हस्ते शुभारंभ होणाऱ्या पीएम विश्वकर्मा या अतिशय महत्वाकांक्षी कार्यक्रमामध्ये मंचावर उपस्थित आपल्या सर्वांचे लाडके नेते केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, कृष्णा खोपडे जी, आपले महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री चौधरी जी, आपले जिल्हाधिकारी नितिन टनकर, प्रशांत पार्लेवार, CMD WCL सर्वच या ठिकाणी उपस्थित अधिकारी आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधू, आज आपले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यांचा जन्मदिवस देखील आहे, त्यामुळे आपल्या सर्वांच्या वतीनं मी त्यांचं मनापासून अभिष्ट चिंतन करतो आणि भारत मातेची सेवा करण्याकरता ईश्वराने त्यांना दंड आयुष्य द्यावं आणि उत्तम आरोग्य द्यावं अशा प्रकारची ईश्वरचरणी प्रार्थना देखील करतो। कॅमेरा पर्सन अजित कुवर के साथ मनीष टिमरे की रिपोर्ट।